एक जंगल में गुफा के सामने साधु अपनी तपस्या में लीन था। तभी वहां एक राक्षस आया और साधु की तपस्या को भंग कर दिया। फिर साधु गुस्से में आकर बोला, तुमने मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इस राक्षस रूप में किसी को भी परेशान नहीं कर पाओगे। साधु गायब हो गया और राक्षस भी साधु के श्राप का मजाक उड़ाते हुए वहां से चला गया। राक्षस जा रहा था तभी वहां उसे एक चीता दिखाई दिया। फिर उसे मस्ती सूझी। उसने सोचा कि मैं इसे उठाकर फेंक देता हूँ, बड़ा मजा आएगा। उसने चीता को उठाकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन चीता उठकर राक्षस के ऊपर ही हमला कर दिया। राक्षस सोचने लगा, साधु का दिया हुआ श्राप तो काम कर रहा है। फिर वह जैसे तैसे उठकर भागा और चीते से अपनी जान बचाई। राक्षस सोचने लगा कि ऐसे में तो कोई भी मुझे, साधारण मनुष्य या जानवर, आसानी से मार देगा। यह सोचकर वह एक पेड़ पर उदास बैठा हुआ था। तभी वहां से एक चालाक लोमड़ी गुजरी। उसने राक्षस से उसकी उदासी का कारण पूछा। राक्षस ने सारी बात उस चालाक लोमड़ी को बता दिया। चालाक लोमड़ी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। राक्षस ने कहा, कैसी शर्त? तब लोमड़ी ने कहा, मुझे तुम्हें रोज एक शिकार लाकर देना होगा। राक्षस ने कहा, मुझे मंजूर है। तब लोमड़ी ने कहा, उस साधु ने तुम्हें श्राप दिया है, तुम राक्षस रूप में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन अगर तुम कोई और रूप धारण करोगे तो तुम्हारी शक्ति वापस आ जाएगी। यह विचार सुनकर राक्षस बहुत ही खुश हुआ। राक्षस ने कहा, मैं किसका रूप धारण करूं? तो लोमड़ी ने कहा, तुम कोई सारस का रूप धारण कर लो, क्योंकि वह बहुत भोला भाला पंछी होता है। फिर राक्षस एक सारस का रूप धारण कर लिया और लोमड़ी के साथ जंगल को घूमने के लिए निकल पड़ा। लोमड़ी ने उसका परिचय सभी जानवरों से करवाया। तब जंगल के राजा शेर ने पूछा, यह कहाँ से आया है? लोमड़ी ने कहा, यह एक अनाथ है, यह बेचारा दूसरे जंगल में बैठा रो रहा था, तो मैं इसको यहाँ ले आई। जंगल के राजा ने कहा, यह बहुत अच्छा किया। फिर दोनों एक पहाड़ी पर चले गए। लोमड़ी ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। राक्षस सारस को लोमड़ी का आदेश देना पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी वह बिना कुछ कहे शिकार के लिए चला गया। कुछ दूर उड़ने के बाद उसे एक बकरी का बच्चा दिखाई दिया, जिसका नाम गुल्लू था। वह उसके पास गया। बकरी के बच्चे ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? राक्षस ने कहा, तुम लोमड़ी के पास जाकर आराम से खेलना। यह कहकर उसने चोंच से मार मार कर उसे मार दिया और उठाकर उस चालाक लोमड़ी के पास लेकर चला गया। लोमड़ी उसे देखकर बहुत ही खुश हुई। तब सारस बने राक्षस ने कहा, मुझे भी बहुत भूख लगी है, पर अब मैं क्या खाऊं? लोमड़ी ने कहा, तुम क्या खाते हो? राक्षस ने कहा, मुझे इंसानों का मांस खाना और खून पीना बहुत पसंद है। लोमड़ी ने कहा, यहाँ कोई इंसान तो नहीं रहता, तुम्हें खाने को जानवर ही मिलेंगे। जाओ, एक हाथी का बच्चा रोज यही पहाड़ के नीचे खेलता है, तुम उसे मारकर खा लेना और उसका खून भी पी लेना। राक्षस ने हाथी के बच्चे को मार दिया। उस दिन के बाद सभी जानवर रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। सभी जानवर बहुत डरे हुए थे, लेकिन चालाक लोमड़ी और राक्षस बना सारस जंगल में अकेले घूमता रहता था। मोंटू हाथी ने शेर के पास आकर कहा, महाराज, गुप्त रहस्य से सभी जानवरों की हत्याएं हो रही है। शेर ने कहा, मुझे भी कुछ पता नहीं चल रहा कि यह सब कैसे हो रहा है। मोंटू हाथी ने कहा, महाराज, चालाक लोमड़ी बिंदास होकर जंगल में घूमती रहती है। शेर ने कहा, हाँ, मैंने उसे यह सब पता लगाने के लिए कहा है। तब मोंटू हाथी ने कहा, महाराज, जब से वह सारस जंगल में आया है, तब से हत्या होना शुरू हुआ है और लोमड़ी भी दिन ब दिन मोटी ताजी होती जा रही है। शेर ने कहा, ठीक है, मैं इसका पता लगाता हूँ। उसके बाद वह चुपके से सारस और लोमड़ी पर नज़र रखने लगा और दोनों की बातें सुनने लगा। फिर उसने दोनों की बातें सुन ली और उसे पता चल गया कि सारस के रूप में तो यह एक राक्षस है। शेर ने सोचा कि इसे बुद्धि से ही हराना होगा, नहीं तो सीधे वार करने पर यह मुझे ही मार डालेगा। एक दिन सारस टहल रहा था, तभी वहाँ जंगल का राजा शेर उसके पास आ गया और बोला, मुझे पता है तुम सारस के रूप में एक राक्षस हो।
सारस बने राक्षस ने कहा, तो तुम्हें पता चल गया, अब तो तुम्हारा मरना निश्चित है। शेर ने कहा, मुझे पता है तुम मुझे मार सकते हो, फिर भी मैंने तुम्हें इसीलिए बताया कि तुम एक राक्षस हो और तुम्हारे नाम से सभी डरते हैं, फिर भी तुम एक लोमड़ी की गुलामी कर रहे हो। फिर शेर ने उस लोमड़ी के खिलाफ उसे भड़काना शुरू कर दिया और कहा, मैं जंगल छोड़कर जा रहा हूँ, तुम मेरा रूप लेकर इस जंगल पर राज कर सकते हो। यह कहकर शेर चला गया। सारस बना राक्षस गुस्से में लोमड़ी के पास आकर बोला, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है, तुमने मुझ पर बहुत हुक्म चला लिया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लोमड़ी कुछ बोलती इससे पहले ही सारस ने उसे मार दिया। लोमड़ी के मरते ही एक तीर सारस के गर्दन में घुस गई और वह भी वहीं मर गया। यह तीर उसी साधु ने चलाया था जिसने राक्षस को श्राप दिया था। फिर जंगल का राजा शेर ने साधु से कहा, इन दुष्टों को मारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब सभी जानवर खुशी से रह पाएंगे, नहीं तो यह धीरे धीरे करके सभी को मार डालता।